आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं जनपद बिजनौर की कुछ खास खबरें। बता दें कि फर्जी दरोगा की वर्दी में एक नटवर लाल को पुलिस द्वारा पकड़ने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जहां दरोगा बनकर लोगों से पुलिस में भर्ती कराने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले फर्जी दरोगा को पुलिस ने पकड़कर उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि सेंटी कुमार हल्दौर निवासी को बिजनौर पुलिस द्वारा उस समय पकड़ लिया गया जब वह पुलिस भर्ती के नाम पर दो लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने आया था। अपर पुलिस अधीक्षक नगर प्रवीण रंजन ने बताया कि पुलिस भर्ती कराने के नाम पर 3,70,000 रुपये पूर्व में भी ठगी कर चुका है, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आज पुलिस को सूचना मिली कि किसी दो लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने एक फर्जी दरोगा बिजनौर आने वाला है। पुलिस द्वारा मौके पर फर्जी दरोगा को वर्दी पहने सहित गिरफ्तार किया गया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अच्छा, कॉल लेटर दिया था आपने इनको? कैसा? अच्छा, किसको भर्ती कराने के लिए दिया था? इनके भाई को, छोटे वाले को निकल गया। अच्छा, क्या कहा था? कि मैं नौकरी लगवा दूंगा तेरी पुलिस डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो कैसा कॉल लेटर कैसे दिया था? कंप्यूटर वाला टाइप किया हुआ। अच्छा, वर्दी कितनी बार पहनी थी ये? अब पहली बार ही पहनी है सर। इससे पहले भी आप गांव में आए थे वर्दी पहन के? हाँ, एक दो बार पहनी है। तो कॉल लेटर कहाँ से बनवाया था तुमने? यहाँ से बनवाया। थाना हल्दौर क्षेत्र निवासी सेंटी कुमार, जो कि शेरपुर कल्याण ग्राम थाना हल्दौर का रहने वाला है, कल कोतवाली नगर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की, जिसने कि फर्जी पुलिस उपनिरीक्षक की वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर आम लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लेता था, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देता था। दो लोगों को ज्वाइनिंग लेटर कल देने आया था, जिस सूचना पर पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की। पूर्व में भी विगत वर्ष या 3,70,000 रुपया एक व्यक्ति से लेकर उसकी भी नौकरी लगवाने के लिए इसी तरह से प्रयास इसने किया था धोखाधड़ी करने का, उसमें भी मुकदमा लिखा गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी।